किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों, आज जो मैं क्या कहते करने वाला हूँ, आज बकरियों के ऊपर कंघी कैसे मारते हैं और खुद कैसे काटते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो आप ऐसा देख के और कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, देखिए ये ब्रश है, नॉर्मल ब्रश है जो आप देख पा रहे होंगे। ये ब्रश का यूज करने वाले हैं और खुर काटने के लिए ये अमेजोन से मिल जाता है, आराम से 200-300 रुपया मिल जाता है। ये आसानी से इससे खुर बढ़िया से कटता है और तेज धार है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक बकरी को मैं सबका तो नहीं इसमें ऐड कर पाऊँगा, क्योंकि सबका अगर यदि मैं ऐड करता हूँ तो इतना सा होगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग देखिएगा नहीं तो, और देखिएगा नहीं तो व्यूज नहीं आएगा, और व्यूज नहीं आएगा तो अगली बार मोटिवेट नहीं होगा, और मोटिवेट नहीं होगा तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो एक बकरी को, हमारी सबसे जो बड़ी बकरी है उसको आज खुर काटने वाले हैं, तो आप ध्यान से और अवश्य देखें। तो ये हमारी बकरी है, इस तरह लेना है और ये इसका पैर ऐसे उठा लेना है, और जितना बड़ा है, वैसे बड़ा तो नहीं है, देखा जाए तो बड़ा तो इसका खुर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका खुर तो वैसे सही है, कहीं से दिक्कत नहीं है, और फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि खुर कैसे काटे, वही है और तो कोई बात नहीं है इसमें। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि खुर काटते वक्त मांस में जब लालीपन नज़र आने लग जाए तो आपको रुक जाना है, लालीपन नज़र नहीं आना चाहिए। तो इससे क्या है, इसके जो कीटाणु वगैरह जो लगे रहते हैं वो भी निकल जाएंगे और इसका सर्वाइव करने में आसानी हो जाएगी। मेरी किसी भी बकरी का बड़ा हुआ खुर तो नहीं है, इसी तरह आप पीछे का भी काट सकते हैं। खुर बढ़ावा नहीं था इसके नाम से, क्योंकि मेरे किसी भी बकरी का खुर बढ़ावा नहीं है। एनीवे, और उसके बाद करना क्या होता है, जैसे खुर काट लिए हैं और खुर काटने के बाद एक पोटेशियम का घोल बनाएंगे, और घोल बना के उसके चारों पैर को हम इसमें डाल देंगे। इस तरह करके आप भी कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत तो है नहीं। बाकी ये आप देख लिए हैं, और कंघी मारने के लिए देखिए, कंघी मारने की बारी आएगी तो कंघी वो आराम से मरवाएगी, इसको दिक्कत नहीं होगा। कंघी मारने से ये होगा कि मतलब
इसमें इसके शरीर में जो जूं चिच्चर जो होंगे वो भी हट जाएंगे और बाल जो टूटे हुए होंगे वो सब निकल जाएंगे तो क्या नए बाल आएंगे और शाइनिंग आएगी, और इससे आपको पता चले उसके शरीर में कोई भी तकलीफ हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। इस तरह आप भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जवाहर, वंदे मातरम।